नमस्कार, स्पोर्ट्स जिंदगी के इस खास शो खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील तनेजा। पाकिस्तान के साथ खेली जाने वाली तीन T20 सीरीज के पहले मैच के लिए 14 सदस्यीय इंग्लिश टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस सीरीज का पहला मैच 28 अगस्त को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम की कप्तान ऑयन मॉर्गन को सौंपी गई है। वे जुलाई के आखिर में आयरलैंड के साथ खेली गई वनडे सीरीज में भी टीम के कप्तान थे। सीरीज के मैच 28 और 30 अगस्त तथा 1 सितंबर को मैनचेस्टर में खेले जाएंगे। कोरोना के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड का प्रदर्शन अब तक अच्छा रहा है। टेस्ट सीरीज में उसने वेस्ट इंडीज को 2-1 से हराया और पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट के बाद वो 1-0 से आगे हैं। इनके बीच खेली गई वनडे सीरीज में उन्होंने आयरलैंड को 2-1 से शिकस्त दी थी। इंग्लैंड की टीम में कप्तान ऑयन मॉर्गन के अलावा अनुभवी खिलाड़ी मोइन अली हैं, जॉनी बेयरस्टो हैं, सैम बिलिंग्स, आदिल रशीद, जेसन रॉय और टॉम करन भी शामिल हैं। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अचानक संन्यास लेने से उनके प्रशंसक और खेल जगत के दिग्गज स्तब्ध हैं। धोनी और रैना ने अचानक ही स्वतंत्रता दिवस की शाम इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। वे पिछले 1 साल से टीम से बाहर भी थे। इसी बीच धोनी के लिए फेयरवेल मैच की भी वकालत की जा रही है। जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं कि पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक भी कह चुके हैं कि धोनी अगर मैदान से संन्यास लेते तो उनके और उनके चाहने वालों के लिए बेहतर होता। और ब्यौरा दे रहे हैं संजय बनर्जी। देखिए, धोनी ने जिस तरह से विदाई ली है वो कतई उनके फैंस के लिए बहुत सुखद नहीं रहा है। अचानक इस तरह से विदा होना धोनी जैसे कद के प्लेयर्स के लिए शायद बहुत अच्छा नहीं कहा जाए, और पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक ने भी इस बात का जिक्र किया था और उनकी बात में दम है। जितनी सेवा धोनी ने भारतीय क्रिकेट की है और जिस शिखर पर भारतीय क्रिकेट को पहुंचाया है वो सचमुच लाजवाब है और उन्हें तरीके से उनकी विदाई होनी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। बीसीसीआई के एक ऑफिशियल के हवाले से कुछ खबरें छनकर आ रही हैं जिसमें कहा गया है कि बीसीसीआई इस बात की कोशिश कर रहा है कि धोनी के लिए कोई फेयरवेल मैच ऑर्गेनाइज कराए, और चूंकि धोनी को पूरी दुनिया जानती है वो किस कुदरत के आदमी है, किस मूड के आदमी है, उन्होंने अगर एक बार अपना अनाउंसमेंट डिक्लेयर कर दिया तो क्या वो उसे वापस लेकर के मैच खेलेंगे, ये देखना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जैसा कि खबर आ रही है कि सोर्सेज ने ये भी कहा है कि उनके लिए कोई एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। खैर, जैसा भी हो, शोएब अख्तर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है पाकिस्तान के तेज बॉलर का। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को धोनी से अपील करनी चाहिए कि वो वापस क्रिकेट में आ जाएं। उन्होंने हवाले दिया है कि जियाउल हक ने, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपील की थी इमरान खान से और उन्होंने वापसी की क्रिकेट में, और न सिर्फ वापसी की बल्कि बेहतरीन कर भी गए, पाकिस्तान को भी उन्होंने काफी सम्मान दिलाया, तो इसी तरह से धोनी को भी वापस आना चाहिए। लोगों का मानना है, शोएब अख्तर का मानना है कि धोनी में अभी अच्छी खासी क्रिकेट बाकी है, इसलिए उन्हें उसका सदुपयोग करना चाहिए और भारत के लिए लगातार खेलते रहना चाहिए। इंडियन प्रीमियर लीग के नए टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर 3 साल के लिए फैंटेसी गेमिंग फर्म ड्रीम इलेवन को चुना गया है, लेकिन बीसीसीआई की एक शर्त ड्रीम इलेवन के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। खबरों में बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि चाइनीज कंपनी वीवो के साथ अगले 3 साल का करार खत्म नहीं हुआ है। यदि वो फिर से सालाना 440 करोड़ रुपए देगी तो ड्रीम इलेवन के साथ 240 करोड़ का करार खत्म माना जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स फ्रंट से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र जी, ये पूरा मामला है क्या? सुनील जी, आज शाम को बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि ड्रीम इलेवन ही आईपीएल 2020 का स्पॉन्सर होगा। कल खबर आई थी जो कि ठीक थी कि ड्रीम इलेवन ने 3 साल के लिए ऑफर दिया है जी, 222 करोड़ इस साल का और 240 करोड़ हर साल के हिसाब से 2021 और 2022 के लिए। लेकिन बीसीसीआई में एक टेक्निकलिटी थी, बोर्ड चाहता था कि अगले 2 साल के लिए डील है उसमें उनको बेहतर पैसा मिले, 240 करोड़ बोर्ड को स्वीकार नहीं है, और 222 करोड़ इस साल का बोर्ड इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि ऑफर कंबाइंड था। तो इस सब को देखते हुए बीसीसीआई ने उनसे बात की है और माना जा रहा है कि जो डील है उन्होंने इस साल 222 करोड़ का ऑफर दिया है और बीसीसीआई ने केवल इसी साल के लिए कंफर्म किया है।
यानी ये मान के चले कि बीसीसीआई भी इस उम्मीद में है कि अगर अगले साल तक एंटी चाइना सेंटीमेंट जो है वो कम हो गया तो ज्यादा पैसे बनाने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए ये अभी स्पेकुलेशन ही रहेगा कि वीवो वापस आएगा या नहीं आएगा। एंटी चाइना सेंटीमेंट के अलावा ये भी देखना होगा कि वीवो को आज की डेट में 440 करोड़ रुपया हर साल मुनाफे का सौदा लगता है या नहीं लगता है। जिस वक्त डील हुई थी उस वक्त हालात कुछ और थे 2018 में, आज क्या वीवो तैयार है इतना पैसा निवेश करने के लिए, या वीवो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करता है, ये सब चीजें देखने की बात है। लेकिन बीसीसीआई कम से कम चाहता है कि अगर 440 नहीं मिले तो 240 से कुछ ज्यादा हो। इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने आईपीएल से हटने का फैसला किया है। उनकी जगह फ्रेंचाइज दिल्ली कैपिटल ने साउथ अफ्रीका के आंड्रिक नोकिया को टीम में शामिल किया है। इस बार आईपीएल यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होना है। फ्रेंचाइज ने अपने बयान में वोक्स के नाम वापस लेने का कारण नहीं बताया है। हालांकि सूत्रों की माने तो इंग्लिश ऑलराउंडर ने कोरोना महामारी से बदले माहौल के कारण अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है। दिल्ली कैपिटल्स ने वोक्स को आईपीएल की नीलामी में 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं तेज गेंदबाज नोकिया पिछली बार कोलकाता के साथ थे लेकिन चोट के कारण आईपीएल में डेब्यू नहीं कर पाए। हालांकि इस बार उनके खेलने की पूरी संभावना है। इस तेज गेंदबाज ने 2019 में भारत के खिलाफ ही टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 6 टेस्ट में 19 और 7 वनडे में 14 विकेट लिए हैं। 3 T20 में उनके नाम 2 विकेट भी दर्ज हैं। ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवर टीम के कैप्टन आरन फिंच 2023 विश्व कप फाइनल के साथ करियर का अंत करना चाहते हैं। ESN रेडियो नेटवर्क के साथ बातचीत में फिंच ने कहा कि ये मेरा लक्ष्य है और मैं इस पर कायम हूँ। दाएं हाथ के 33 साल के इस बल्लेबाज ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण पिछले 5 महीने के ब्रेक ने उन्हें तरोताजा कर दिया है और अब उनका लक्ष्य ICC की अगली 3 बड़ी प्रतियोगिताओं में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई करना है, जो 2021 और 2022 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप और 2023 में होने वाला एक दिवसीय वर्ल्ड कप है। फिंच ने कहा कि एक साल में 10 या 11 महीने यात्रा करने वाले खिलाड़ियों के लिए ये ब्रेक मानसिक रूप से तरोताजा होने की तरह था, जिसकी संभवतः लोगों को जरूरत भी थी। और अब अंत में फुटबॉल। बायर्न म्यूनिख के खिलाफ चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में 8-2 की शर्मनाक हार के बाद बार्सिलोना अब अपने ढांचे में बदलाव की तैयारी में है। नए कोच का ऐलान हो चुका है। रोनाल्ड कोमान टीम के साथ जुड़ेंगे, जबकि अगले साल टीम को नया प्रमुख भी मिल सकता है, उसे नया अध्यक्ष भी मिल सकता है। इसी बीच एक बड़ा सवाल ये है कि क्या बार्सिलोना की टीम सुपरस्टार खिलाड़ी लायनल मेसी को अपने साथ जोड़ के रख पाएगी या नहीं। सुनते हैं अभिषेक झा की इस रिपोर्ट में। चैंपियंस लीग में लगातार अगर पिछले 3 सालों की बात करें तो बार्सिलोना के लिए बहुत बुरी यादें रही हैं। सबसे पहले AS रोमा के अगेंस्ट अपने घर में उन्होंने बढ़त बनाई थी, लेकिन जब इटली गए तो AS रोमा के हाथों उनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद लिवरपूल के अगेंस्ट पिछली बार जो उन्होंने हार का सामना किया उसे कोई भुला नहीं सकता, और इस बार उससे भी बड़ी हार उन्हें बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट मिली और 8-2 से बायर्न म्यूनिख की टीम ने हराया। और उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, ये क्वेश्चन उठ रहा था कि क्या लियोनेल मेसी अब बार्सिलोना के साथ खेलना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि 2021 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है बार्सिलोना के साथ, और क्या अगले साल जो वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं अपने क्लब के लिए या फिर उसे छोड़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन इस बीच बार्सिलोना ने अपने नए कोच को ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया है, और इस कोच के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इनका नाम है रोनाल्ड कोएमन, और बार्सिलोना के लिए पहले भी ये कोच रह चुके हैं, असिस्टेंट कोच थे, और अच्छा खासा करियर है इनका कोचिंग में भी। इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें या फिर बुंदेसलीगा की बात करें, नेशनल टीम नेदरलैंड्स के लिए भी इन्होंने कोचिंग दी है, लेकिन बार्सिलोना के असिस्टेंट कोच थे 1998 से 2000 के बीच में, और अब नए सफर की फिर से शुरुआत करेंगे 2020 से। देखते हैं कि कितने दिन तक ये आगे जा पाएंगे, और देखने वाली बात होगी कि क्या लियोनेल मेसी के साथ ये सेटल डाउन हो पाते हैं नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा बयान इन्होंने दिया है, और इनका कहना है कि लियोनेल मेसी के पिताजी के साथ इनकी बातचीत हुई है, और जो ये नया प्रोजेक्ट लेकर बार्सिलोना में आए हैं उसमें अभी भी लियोनेल मेसी का जो रोल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
खेलों में खास में हमारा आज का सफर यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए हमारी वेबसाइट sportszindagi.com पर जरूर लॉगिन करें, और आपके ईमेल की हमें हमेशा प्रतीक्षा रहेगी। हमारा ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।